नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम आपको 18 ऐसे फलों के बारे में बताने वाले हैं जिनका सेवन करने के बाद आप लोग सर्दियों में अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं और अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। नंबर एक, खजूर। खजूर में आयरन और कैल्शियम की उच्च मात्रा पाई जाती है जो एनीमिया की बीमारी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही यह उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है जिनकी हड्डियां कमज़ोर होती है, जिनकी हड्डियों का घनत्व कम होता है। नंबर दो, चकोतरा। चकोतरा में विटामिन सी की उच्च मात्रा पाई जाती है जो सर्दियों में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार जैसी समस्याओं से बचने में भी काफ़ी मदद करता है और आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा बनाता है। नंबर तीन, कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट के अंदर अच्छी मात्रा में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई और पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, आप फिट रहते हैं। अगर आप लोग कीवी फ्रूट के बारे में डिटेल में वीडियो जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आई बटन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप उसके में भी जाकर कीवी फ्रूट की डिटेल वीडियो चेक कर सकते हैं। नंबर चार, पपीता। पपीता में विटामिन बी, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके हृदय, पाचन संबंधी समस्या और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। सर्दियों में पपीता बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। नंबर पाँच, संतरा। संतरे में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, इन्फ्लेमेटरी जैसे गुण पाए जाते हैं जो आपको कैंसर रोधी समस्याओं से बचाते हैं। इसके अलावा आपके इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा आपके स्किन से संबंधित समस्याओं को भी बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाते हैं। नंबर छः, पैशन फ्रूट। पैशन फ्रूट के अंदर अच्छी मात्रा में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, इन्फ्लेमेटरी जैसे गुण पाए जाते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाते हैं और शरीर में मौजूद बैक्टीरिया तथा संक्रमण से लड़ने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। नंबर सात, नाशपाती। भले ही आम फलों का राजा कहा जाता है लेकिन नाशपाती उससे भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। नाशपाती में बहुत सारे खनिज पदार्थ मौजूद होते हैं जो आपको सर्दी जुकाम से बचाते हैं। इसके अलावा आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाते हैं और कई संक्रमणिक रोगों से भी आपको बचाते हैं। नंबर आठ, अनार। अनार का उपयोग परजीवी और माइक्रोबियल संक्रमण, डायरिया, अल्सर, रक्तस्राव, श्वसन संबंधी समस्याएं, इसके अलावा स्किन से संबंधी समस्या, शरीर में खून की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप लोग अनार या फिर अनार के जूस का सेवन कर सकते हैं। नंबर नौ, सेब। सेब एक ऐसा फल है जिसके अंदर भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह कैंसर से लड़ने में आपके शरीर को शक्ति प्रदान करता है और आपके शरीर को हमेशा फिट रखता है। नंबर दस, स्टार फ्रूट यानी कि अमरक। अमरक के अंदर अच्छी मात्रा में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके पेट से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। नंबर 11, केला। केला एक ऐसा फल है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह आपके वजन को इनक्रीज़ करता है तथा आपकी सेहत के लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। नंबर 12, नींबू। नींबू में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और इन्फ्लेमेटरी जैसे गुण पाए जाते हैं जो आपको फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान को बचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा कैंसर के रोग को कम करते हैं और आपके वजन को कम करने में भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। नंबर 13, शकरगंध यानी कि स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में विटामिन ए, विटामिन सी और फाइबर उच्च मात्रा में पाया जाता है जो आपके पेट के लिए फायदेमंद होता है, आपके स्किन पर ग्लो लाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और आपके शरीर को इम्यून सिस्टम से भर देता है। नंबर 14, आंवला। आंवला के अंदर विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे ऐसे कई गुण पाए जाते हैं जो आपको हमेशा जवान बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर आप लोग हमेशा जवान बने रहना चाहते हैं तो हर रोज़ आंवला या फिर आंवले के जूस का सेवन कर सकते हैं। नंबर 15, अमरूद। अमरूद में भरपूर मात्रा में फॉलेट, विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई गुण पाए जाते हैं जो आपको सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फायदा देते हैं, आपकी स्किन को हमेशा चमकने देते हैं। इसके अलावा आपके पेट को भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ बनाए रखते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाते हैं। नंबर 16, सीताफल। सीताफल एक ऐसा फल है जो बहुत ही ज़्यादा रसीला और खाने में बहुत मीठा होता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और अच्छे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ए तत्व पाया
पाया जाता है जो आपको लंबे समय तक जवान बनाए रखता है और आपके पेट को हमेशा स्वस्थ बनाए रखता है, जिसकी वजह से आप हमेशा अपने आप को फिट महसूस कर सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो भी आप पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नंबर 17, बेर। बेर में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनकी वजह से आप अपने वजन को कम कर सकते हैं, अपने हृदय को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, कैंसर को रोकने में काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा आपका रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या में भी बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है और पेट से संबंधित समस्याओं में भी बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। नंबर 18, सिंघाड़ा। सिंघाड़ा में साइट्रिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, निकोटिन एसिड, राइबोफ्लोविन, थायमिन, विटामिन सी, ए, मैग्नीज तथा फास्फोरस जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। सर्दियों में सिंघाड़ा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फल माना जाता है। अगर आप लोग सर्दियों में 4 सिंघाड़े का भी सेवन करते हैं तो आप हमेशा अपने आप को फिट महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको 1% भी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकें। बड़े बुजुर्ग लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनके लिए ये वीडियो एक रामबाण का कार्य कर सकती है। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, ताकि हम आपको अच्छी अच्छी हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी लाकर देते रहें।